योगी और मोदी के कृत्य और दीदी स्मृति ईरानी के लगातार जनहित में किए गए कार्य, चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ प्रत्याशी के चेहरे की कोई बातें नहीं। कम दिन उनके लिए हैं जो चुनाव को खाली राजनीति की दृष्टि से लड़ते हैं, चुनाव जीत के जाके बैठते हैं, कि वो चुनाव लड़ रही हैं, अपने को बता रही हैं कि मेरा पति विक्टिम है, उसको न्याय दिलाने के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता उनको हरा देगा चुनाव में। चार मिली थी 2017 में और 2022 में 5 की 5 हम जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आर्यम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। अमेठी में हम मौजूद हैं। 27 फरवरी को अमेठी के नेताओं की परीक्षा होनी है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। अभी अमेठी में भाजपा के कोई चेहरे प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किए गए हैं। अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष उद्योगपति राजेश मसाला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अमेठी में भाजपा की क्या स्थिति होने वाली है इस बार? अमेठी जनपद में 4 सीट हैं, लोकसभा में 5 सीट हैं। पांचों सीट पे योगी और मोदी के कृत्य और दीदी स्मृति ईरानी के लगातार जनहित में किए गए कार्य, चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ प्रत्याशी के चेहरे की कोई बातें नहीं है। हम पांचों सीट जीतेंगे। आपकी जो चुनाव होने वाला है इसमें बहुत काफ़ी कम दिन मिल रहे हैं, तो लोगों के बीच में जनसंपर्क करके कैसे आपकी पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी? कम दिन उनके लिए हैं जो चुनाव को खाली राजनीति की दृष्टि से लड़ते हैं, चुनाव जीत के जाके बैठते हैं। ये भाजपा की सरकार है, ये 5 वर्षों से लगातार रोज चुनाव लड़ रही है। प्रतिदिन गरीबों के घर उपवास न हो, उनको भोजन मिले, गरीबों को दवा मिले, गरीबों को वैक्सीन मिले, गरीब जनमानस का जीवन स्तर सुधरे, नित्य प्रतिदिन की व्यवस्था सरकार करती आ रही है। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा समय कहीं किसी को नहीं मिलता है। अमेठी एक ऐसा जिला है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर किसी की नज़र अमेठी पे गड़ी रहती है। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है? भारतीय जनता पार्टी सुशासन पे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन जन तक जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था जो दी गई सरकार द्वारा, इस आधार पर चुनाव लड़ रही है। अमेठी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सपा की तरफ से वो प्रत्याशी उतारा गया है जो एक बार मंत्री रह चुका है सपा सरकार में, उनकी पत्नी इस बार प्रत्याशी हैं। कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगता है या नेता लगता है जो उनको टक्कर दे सकता है और उनके खिलाफ चुनाव लड़ के जीत सकता है? हमारी भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता उनको हरा देगा चुनाव में, इसलिए कि वो चुनाव लड़ रही हैं, अपने को बता रही हैं कि मेरा पति विक्टिम है, उसको न्याय दिलाने के लिए। जनता सब समझती है और जनता उसको चुनेगी जो जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखे और उसके उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर तक निर्बाध रूप से पहुंचे, इसको ध्यान में रखकर ये चुनाव हो रहा है। और मैं समझता हूँ अमेठी ही नहीं, पूरे प्रदेश में इसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बताइए, आप अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, एक तरफ से माना जाए कि पूरा जिला आपको सौंपा गया है कि पूरे जिले में आपको कैंपेनिंग करके जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, तो इस बार के चुनाव में विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें अमेठी को मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को? पूरे प्रदेश में नहीं, नहीं अमेठी की बात करें कि अमेठी में कितनी विधानसभा? 5 में 4 मिली थी 2017 में और 2022 में 5 की 5 हम जीतने जा रहे हैं। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। धन्यवाद। अमन सिंह वत्स के साथ राजीव शुक्ल, आर एम न्यूज अमेठी।